जिया तुम यहाँ काम करती हो यहाँ पे? तुम ओ बॉस ने बताया कोई ब्लॉगर आया हुआ है, अटेंड करना है. ओ तो यू आर स्टिल देयर ना ब्लॉगिंग? या यहाँ पे यू नो, अच्छा हुआ हम लोग का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि जीने के लिए ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो क्लियरली तुम्हारे पास दिख नहीं रहे, और अभी भी तुम ब्लॉगिंग में ही पड़े हुए हो. या मे बी. वैसे लाइफ में तुम कब आगे बढ़ोगे? कभी सोचा है कि इस ब्लॉगिंग को छोड़ के कुछ और करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ बड़ा सोचूँ? जी हाँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं यही करना चाहता था. एंड आई एम हैप्पी. खुश हूँ टिपिकल नहीं जो ना, लाइक यूजुअल सेटलिंग फॉर लेस. मुझे देखो, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ. कितनी बड़ी जगह काम कर रही हूँ, इतने बड़े बड़े लोग के साथ कनेक्शन बन गए. यू आर स्टिल देयर ब्लॉगिंग एंड शूटिंग ऑल दिस. आई एम हैप्पी फॉर यू, इट्स गुड. तुम कुछ भी सोचो, ये ब्लॉगिंग से ना कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम. पता नहीं, इतना सोच नहीं पाता यार मैं, छोटा सा दिमाग है, जो समझ आता है वो कर लेता हूँ. और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो चली ही गई थी ना मुझे छोड़ के. क्लियरली बेस्टेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. मे बी. ऐसे तुम्हारे साथ होती ना तो ये लग्जूरियस लाइफ में जी नहीं पाती. वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुम्हें इसी टाइप की लाइफ चाहिए थी ना, रिलेशनशिप तो तुम्हें वैसे भी नहीं चाहिए था. जीने के लिए वैसे भी रिलेशनशिप नहीं, पैसों की ज़रूरत होती है. या सर. हाँ जी. हाँ, उनको लेके कैबिन में आ जाओ. हाँ ओके. ही इज कॉलिंग यू. सर ही इज हियर. हाय सर, हाउ आर यू? अच्छा, आपके शूट्स कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे. अच्छा सर, आपने जो ऑडी बुक की थी वो रेडी हो गई, आप ले जा सकते हैं उसे. ऑडी? सर शोरूम में तो एक ही ऑडी है जो लेटेस्ट आई है. हाँ तो सर ने तो बुक की है. अच्छा, आप शायद सर के बारे में जानते नहीं हैं, ये बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, इनकी एक एक वीडियोस पे 20 मिलियंस तक व्यूज आते हैं. इज अ मल्टी मिलियनेयर. क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे. सर आप इतने हम्बल हैं, आप तो अपनी तारीफ कभी करते नहीं हैं, तो हमें तो सच्चाई बतानी पड़ेगी लोगों को. ठीक है, हो रहा है, काम चला रहे हैं. बस अब गाड़ी रेडी हो गई है तो आप हैंड ओवर कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है. जी जी. अच्छा जी, सर को गाड़ी हैंड ओवर करा. ओके सर, टेक केयर. मीजो कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. यू नो आई ऑलवेज न्यू तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे. एंड सी, बट थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी वो तो आउट ऑफ मोटिवेशन, मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहती थी. ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत सोचूं. नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. इन फैक्ट आई वॉज थिंकिंग, मीजो हमारा रिलेशनशिप आई नो बहुत अजीब तरीके से एंड हुआ था, बट इज़ देर एनी पॉसिबिलिटी अगर हम वापस रिकनेक्ट कर सकें और साथ रह सकें? रिलेशनशिप ऐसा ही पूछा था ना तुमने, तुम क्लियर नहीं थी तब कि हमारा रिलेशनशिप जो इतने सालों चला वो रिलेशनशिप था भी कि नहीं. और अब क्योंकि ये सब हो रहा है तो तुम वापस आना चाहती हो. तुम मुझे उस टाइम पे छोड़ के गई थी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब इन सब चीज़ों को दोबारा शुरू करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं. अब कम, शी इज़ माई वाइफ. तुम बैठो, मैं आता हूँ. ऑलमोस्ट 3 महीने मैं डिप्रेशन में था, और ये जो लड़की गई ना यहाँ से, इसने मुझे तब सपोर्ट किया जब कोई नहीं था मेरे साथ. मैं जैसा था, जो था, इसने मुझे एक्सेप्ट किया. और अब इसको रिजेक्ट करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं. तो ये सब जो तुम सोच रही हो ये कुछ नहीं होने वाला. तुम्हें तुम्हारी ये लाइफस्टाइल मुबारक हो, एंजॉय.
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.